खबर यूपी के आगरा जिले से है, जहां धमोटा उपकेंद्र की तालाबंदी की जाएगी। जी हां, ये खबर है यूपी के आगरा जिले से। आज किसानों की बिजली से संबंधित समस्याओं को लेकर कांग्रेस की निर्वर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित फतेहाबाद विधानसभा के धमोटा विद्युत उपकेंद्र पर सहायक अभियंता विद्युत और अन्य विद्युत कर्मचारियों से समस्याओं के समाधान के लिए मुलाकात की। निर्वर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित ने बताया कि काफी दिनों से धमोटा उपकेंद्र पर तैनात सहायक अभियंता की शिकायतें आ रही थीं। सहायक अभियंता मनमानी पर उतारू था, आए दिन लोगों के ट्यूबवेल कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन को काट दिया करता था। एक ट्यूबवेल प्रकरण में पिछले 2-3 सालों से लंबित पड़ी लाइन को अभी तक नहीं जोड़ा गया। बिलों की वृद्धि की जा रही थी। किसानों की समस्याओं को लेकर धमोटा उपकेंद्र पर पहुंचे और सहायक अभियंता को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि एक तरफ प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किसानों की समस्याओं के लिए जान न्यौछावर करने पर तैयार हैं और आप लोग किसानों के साथ कसाई जैसा व्यवहार करते हैं। किसान बेचारा तो वैसे ही हालात का मारा है, उसको फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, आवारा पशुओं के कारण फसल भी नष्ट हो जा रहे हैं। एक तरफ बिजली की समस्या है जो समय से नहीं मिलता है। निर्वर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज दीक्षित ने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का 4 दिन में समाधान नहीं होता है तो धमोटा उपकेंद्र की तालाबंदी की जाएगी, जिसकी जवाबदेही सहायक अभियंता और उच्च अधिकारियों की ही होगी। निर्वर्तमान जिला अध्यक्ष के साथ में अरुण शर्मा, पप्पी बोहरे जिला उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी, होतम सिंह निषाद, राम सेवक वर्मा, चंद्रमोहन शर्मा, वेश चंद, हरिमोहन, रूपेंद्र, महेश आदि लोग उपस्थित थे। देखिए पिठौरा से राम निवास की ये रिपोर्ट। आज फतेहाबाद विधानसभा के धमोटा फीडर जो बिजली विभाग का है उस पर आज ये फतेहाबाद ब्लॉक के सभी कार्यकर्ताओं की जो आज इस सरकार में बिजली की समस्या है उसको लेकर धमोटा फीडर पर जेई और एसडीओ से मुलाकात की और इतनी भीषण समस्या, गंभीर समस्या कि किसान आए दिन इतना परेशान हो रहा है, फसल का समय है लेकिन सरकार की दिशा निर्देश पर जो कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के अधिकारी हैं, इतनी मनमानी पर तुले हुए हैं कि किसान बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। ऐसी समस्या जो आज यहां धमोटा पर हुई जिसके ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हुआ, उन किसानों की आवाज़ को जब मैंने सुना तो मैं जाकर अधिकारियों से मिली और उन्हें चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर इन किसानों की बिजली की समस्याओं को समाधान नहीं किया गया तो इस फीडर पर ताला जड़ेंगे और इनको सबक सिखाएंगे और सरकार को यह बताएंगे कि किसान आज कितनी बदहाल स्थिति में पहुंच गया है, उसकी फसल की बुवाई का और पानी की परेवट का समय है जबकि ऐसे समय में बिलों को लेकर अधिकारी उनके कनेक्शन काट रहे हैं और जब कनेक्शन लगवाने की बात की जाए तो उन पर रिश्वत मांगी जा रही, वो भी 40-40 हज़ार रुपये। मैं कहना चाहती हूँ आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसानों के मसीहा जो आज किसानों की आवाज़ बनकर उत्तर प्रदेश में इस सरकार से लड़ रहे हैं और ऐसे समय में आज किसानों को आत्महत्या करने को ये मजबूर कर रही है सरकार, इस सरकार के खिलाफ़ कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर उतरी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी।